Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. चाहती है कि ये सब अभियान चलाए और जो तकरीबन 1.5 लाख लोग भारतवर्ष में हर साल मरते हैं उसकी संख्या ये अभियान चलाने से कम हो जाए, ये इसके पीछे मकसद है। ये पूरे वीक में हम लोग स्कूल में जाके बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे, रोड पे लोगों को मार्गदर्शन करेंगे, हेलमेट के बारे में, जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, ऐसे छोटे मोटे जो रूल है उसके बारे में हम जन जागृति करेंगे। और ये जो जन जागृति है ये लोगों को अपील करेंगे कि ये हफ्ते के लिए न रखें, ये पूरे साल भर पूरे जिंदगी भर हमेशा रखें, ताकि अपनी शहर की सुरक्षा, खुद की जान की सुरक्षा और पूरे देशवासियों की सुरक्षा हो सके, ये इसके पीछे मकसद है। सर, ये प्रोग्राम कितने दिन तक चलेगा, आने वाले कितने दिन तक चलेगा ये प्रोग्राम? ये 4 से 10 तक गवर्नमेंट स्पेशल नोटिफिकेशन देके चलाने के अमल बजावनी करने के लिए सभी शासकीय डिपार्टमेंट को कहा है। तो आपको पब्लिक का सहयोग मिल रहा है सर इसमें, जो आपने मुहिम छेड़ी है? बिल्कुल, पब्लिक का सहयोग हमसे पहले से है, सब NGO है, स्कूल है, नागरिक के मेरा भाई के जो जागरूक नागरिक है वो हमारे पीछे पड़े और दिन बाय दिन ये जो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमको लगता है कि आज जो उद्घाटन हुआ है पूरे साल में और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और ये ट्रैफिक का जो समस्या है मेरा भाई में उसमें सुलझाने की भी आपको मदद करेंगे। सिद्धे साहब, आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि लोगों ने जो छोटा मोटी इंग्लिशेस है बहुत कुछ करना नहीं है, खाली सिग्नल के रूल फॉलो करो, ट्रैफिक के रूल फॉलो करो, खुद ने छोटे भी रूल ये किया, खुद को जन जागृति दिखाया, ये पूरा सोसाइटी के लिए उसका फायदा हो सकता है। लोगों से मैं यही कर रहा ट्रैफिक का रूल फॉलो करो। थैंक यू सर। जैसे कि हम सब जानम का पालन करना, सड़क नियम का पालन सुरक्षित हो फिर सबका जीवन, करना सड़क नियम का पालन सुरक्षित हो फिर सबका जीवन। उनके आगे समर्पित करते हैं हमारे जो ट्रैफिक रूल्स वाले, इनका सबसे ज्यादा परेशानी का सबब होते हैं जो दो पहिए वाले वाहन होते हैं, मोटरसाइकिल वाले, स्कूटी वाले सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। तो यही से शुरू करती हूँ, दो पहिया वाहन के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है, सुरक्षित करता सिर को ये नहीं कोई मजबूरी है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो हेलमेट में अपनी सुरक्षा के लिए नहीं पुलिस के डर से पहनते हैं। अरे भाई, मैंने हेलमेट इसलिए पहने आगे मुझे मेरे को चालान कर जाएगा, सिर्फ इसलिए पहनते हैं। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन नमाज हो गई है। तो उसी तरीके से ट्रैफिक रूल्स को हमें अपने जीवन में उतारना है और अब मेरी जो भी पंक्ति होगी उसमें तालियां मुझे मिलनी चाहिए। चार पहियों की गाड़ी में सीट बेल्ट बांध के उतरो, सुरक्षित जीवन करने का नुस्खा मित्रों तुम सीख लो, सुरक्षा मित्रों नुस्खा मित्रों तुम सीख लो, संयम से गाड़ी तुम चलाओ, इस स्पर्धा में ना गति बढ़ाओ, थोड़ी सी डर हुई तो फिर जीवन भर पछताओ। एक निवेदन युवाओं से अपने जीवन को संभालो, चलाकर गाड़ी संयम से सड़क दुर्घटना को टालो। 2 मिनट की देरी होगी पर कुछ ना तेरा बिगड़ेगा, लापरवाही से लेकिन तेरा जीवन पीछे छूटेगा। ट्रैफिक लाइट मुख भले है, अनुशासन हमें सिखाती है, असंख्य वाहन पर रख नियंत्रण जादूगरी दिखाती है। जब वो मूकबंद लाइट इतना अनुशासन रख सकती है तो हम अपने जीवन में अनुशासन क्यों नहीं रख सकते हैं। और अंतिम मैं आपको समर्पित करती हूँ, वादा खुद से करना होगा सड़क नियम निभाने का।
देश प्रेम दिखाएगा।